shows it is devoid of all the darts, because everything goes away, passes away. So river side is very good to have influence, good influence, to have concentrated mind and meditative mind. It has influence over the mind. And especially Ganga. Today we are going to see this. Ganga ji jo hai, ye Himalay ke parvaton se nikal karke, lagatar gatishil ho karke, Ganga Sagar Sangam jahan hai, jo Bangop Sagar Sagar mein ja karke milti hai. Aur iske piche bahut sare kahaniyan hai, jo Bhagirath pehle koi raja Anshuman कुछ यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ का घोड़ा कहीं जाते जाते कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वो घोड़ा को कपिल ऋषि के जो बच्चा था लड़का था वो घोड़ा को छिपा दिया और उस घोड़े के पीछे जो सारे फौज थे और सेनापति वगैरह घोड़ा कर रक्षा के लिए वो लड़का के साथ बहुत झगड़ा किए और फिर सब भस्मीभूत हो गए थे. और जो उस समय वापस आए फिर उस भस्मीभूत जो सारे आत्मा का उद्धार के लिए फिर घोड़ा को वापस लाने के लिए दूसरे जो अंशवान का लड़का और उसके लड़का तीन पीढ़ी में भगीरथ कोशिश किए, तीन पीढ़ी तक कोशिश किए और आखिर भगीरथ तपस्या करके गंगा जी को जब लाओगे तब गंगा जल का सेवन से ये जो राख हो रखे हैं जो तुम्हारे पूर्वज वो नरक में दुख भोग रहे हैं और उनका पाप का अंत होगा गंगा का जल स्पर्श मात्र से और वो फिर स्वर्ग में जाएंगे. इसी प्रकार भावना को रख करके भगीरथ भयंकर तपस्या किया, तीन पीढ़ी तक तपस्या किए और भागीरथ फिर आखिर गंगा जी को जो त्रिपथगामिनी है जो स्वर्ग मर्त्य पाताल में तीन भुवन में गंगा जी का प्रवाह है उसको स्वर्ग से मर्त्य में लाने के लिए किसी भी हालत में गंगा जी को संतोष कर पाए और वर प्राप्त किए भगीरथ. और गंगा जी का ये शर्त था, गंगा जी स्वर्ग से जब उतरेगी उसका वेग से धरती उसको वेग को धारण नहीं कर सकती है, इसीलिए उसका वेग को धारण करने के लिए कोई शक्ति चाहिए. तो वह शिव जी के बिना और कोई नहीं हो सकते हैं, इसीलिए शिव जी को भी मनाने के लिए बहुत तपस्या किया भगीरथ. और शिव जी फिर राजी हुए और शिव जी आ करके अपना जटा को फैला करके गंगा का उतरने के लिए इंतजार किए. गंगा जी जब आकाश से आती है तो शिव जी के जटा में
उसके सारा वेग समाप्त हो जाता है और वह गंगा जी शिव जी के जटा में लुप्त हो जाती है। तो फिर भगीरथ और तपस्या करके शिव जी गंगा जी का स्पर्श पा करके जो ठंडा लग रहा है, क्योंकि हमें वो जहर पी रखे हैं, इसीलिए चंद्रमा को धारण कर रखे हैं, सर्पों को धारण कर रखे हैं, सर्प से ठंडा होता है। और फिर गंगा का जो ठंडा उसको पा करके शिव जी समाधि में चले गए, भूल गए गंगा जी को नीचे उतरना था। भगीरथ फिर तपस्या किए, शिव जी को प्रसन्न किए, हे भगवान मेरे गंगा जी को थोड़ा छोड़ दो। तो गंगा फिर शिव जी पूरा तो नहीं छोड़े, उससे एक धारा छोड़ दिए। ये कहानी के साथ हमारे जो भौगोलिक परिस्थिति को भी जोड़ने से ये सही पाया जाता है। अगर भगवान शिव कैलाश में रहते हैं तो फिर हमारे गंगा जी का जो उद्गम स्थल मानसरोवर जो कैलाश के पादेश में है, इस प्रकार गंगा जी का एक धारा फिर तीन धारा में बदल जाता है। एक तो गंगा, एक सिंधु, एक ब्रह्मपुत्र, तीन हो करके फिर प्रवाहित होते हैं मर्त्य में। तो गंगा जी का धारा जो भगीरथ के पीछे जो आया, भगीरथ उसको रास्ता दिखाया, भगीरथ फिर हिमालय में उसको उतार करके हिमालय से धीरे 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 रास्ता दिखाते हुए गंगा सागर तक ले गए, जहाँ उनके पूर्वज सब भस्मीभूत हुए थे। और गंगा उधर पहुँचते ही गंगा जल का स्पर्श से वो सब जो नरक में दुख भोग रहे थे, नरक यातना से मुक्त होकर के स्वर्ग में चले गए। ये कहानी है। तो इससे ये कहानी हम विश्वास करते हैं तो ये तपस्या का फल रूप गंगा जी है। मतलब गंगा जी स्वर्ग से मर्त्य में उतरी, और अगर त्रिपथगामिनी देखेंगे, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे बात सही है, हिमालय के उप चोटी को स्वर्ग मानते हैं क्योंकि आनंद का भंडार है। और उधर से धीरे धीरे जब समतल में गंगा जी आती है तो स्वर्ग जो ऊंचाई में है, मर्त्य जो मध्य में है, और पाताल जो सबसे नीचा है, इस रूप से भी गंगा जी त्रिपथगामिनी भी मान सकते हैं। और ये पवित्र क्यों है, ये कहानी के हिसाब से तो तपस्या का फल स्वरूप है, इसीलिए तपस्या का फल तो अमृतत्व होता है। और इसीलिए गंगा जी का जल को अमृत सदृश माना गया। जाह्नवी औषधिम जाह्नवी तो यूं कहा गया, गंगा का जल दवा है, सारे रोगों का उपशमन कर सकता है। इस प्रकार हम कहानी के हिसाब से और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, गंगा जी का उत्पत्ति स्थल जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ियां हैं, वहां पर जो दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं, बहुत सारे खनिज जो साधारण धरती के दूसरे भाग में नहीं मिलता है, ये हिमालय के चोटी में मिलता है, क्योंकि हिमालय समुद्र से ऊपर किसी जमाने में आया है। और हिमालय के चोटी में रत्नाकर जो समुद्र है जिसमें सारे रत्नों का भंडारा है, तो हिमालय के चोटी में ये रत्न सब मिलते हैं। और वो ऊंचाई में, इसीलिए कि चोटी में तो साधारण रहेगा, जब हम
स्नान करके ऊपर उठते हैं तो हमारे सिर से तो सारा पानी निकलता है, तो चोटी में रहना ये स्वाभाविक है। और हिमालय के चोटियों में अनेक किस्म के दुर्लभ खनिज पदार्थ मिलता है जो दुनिया में दूसरे जगह पर नहीं मिलता है। वो सारे बर्फ गल गल करके बारिश से ये सब एकत्रित हो करके गंगा जल रूप धारण करता है। और दूसरी बात, जितने किस्म के सब दुनिया में जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ सब मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियाँ ये हिमालय के चोटी के ऊपर मिलते हैं, जिसको जैसे कहते हैं मृत संजीवनी और नाना किस्म के जैसे सोमलता और दूसरे किस्म के बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियाँ ये हिमालय के ऊंचाई पर मिलते हैं, जो दुनिया में और दूसरे जगह पर नहीं मिलते हैं, जो जीवनदायिनी शक्ति के से पुष्ट हैं ऐसे जड़ी बूटियाँ। अरे इसका भौगोलिक कारण ही जड़ है। इस प्रकार ऊंचाई, इस प्रकार जलवायु जहाँ मिलता है वहीं पर ही ये जड़ी बूटियाँ सब मिलते हैं। ये प्रत्यक्ष हैं, जो इस ऊंचाई पर जाते हैं देखते हैं ऐसा जड़ी बूटियाँ मिलते हैं, जो दुनिया में भारत में भी और दूसरे जगह पर नहीं मिलेंगे, अति दुर्लभ, जो तुरंत सारे रोगों का ठीक करने का शक्ति रखते हैं। सेवन करते ही रोग ठीक होता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, कभी मेरा अनुभव, कभी गंगोत्री में रहते वक्त गुरुदेव का शताब्दी के लिए मैं सोचा वो सेलिब्रेशन के लिए ब्रह्म कमल ऊपर से इकट्ठे करेंगे और 1008 ब्रह्म कमल ले करके गुरुदेव का समाधि में चढ़ाऊंगा करके मेरा संकल्प हुआ। मैं कुछ लोगों को भेजा, वो ऊंचाई पर ब्रह्म कमल सब इकट्ठे किए, इकट्ठा करके ला कर रखे थे। मैं उसको थोड़ा साइज बना करके, बहुत लंबे लंबे डंठल होता है, उसको साइज बना करके संभाल करके उसको पैक करने के लिए कोशिश किया, तो उस समय एक चाकू से मेरा हाथ कट गया। गंगोत्री में मेरे पास दवाई नहीं था, साधारण कोई घाव हो गया तो उसको दबा कर रखते हैं ताकि ब्लड क्लॉट हो जाएगा। मैं दबा कर रख करके फिर ढूंढा, कुछ मिलना चाहिए, कुछ नहीं था मेरे पास। तो फिर वो ब्रह्म कमल का एक पत्ता को मैं इसके चारों तरफ लपेट करके उसको धागा से बांध दिया जोर से, वो खून तो बंद हो गया। और उसके बाद एक दिन के बाद मैं खोलता हूँ तो नाम निशानी नहीं घाव का, दर्द तो साथे साथ ठीक, और वो घाव का वो जो निशानी होता है वो भी नहीं। ब्रह्म कमल का ताजा पत्ता बांध दिया था मैं, इतनी औषधीय गुण उसमें होते हैं। उसका जो सूंघना, उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। जो साधारण दवाई से ठीक नहीं होता है वो उसका सूंघने से ही ठीक हो सकता है। और ये जड़ी बूटियाँ सब ऊपर जो मिलते हैं, मैं उपचाई में गया हूँ, देखा हूँ, और उधर बकरी वाले और ये जो गुजर के भैंस वाले जाते हैं सब
मैदान में घास चुगाने के लिए। ये बकरी वाले का कहानी मैं बहुत सुना हूँ। ये जड़ी बूटियाँ से उधर दुर्लभ जड़ी बूटियाँ उधर है। कोई कहा कि किसी बकरी को ढूंढने के लिए वो जाते जाते पत्थर से टक्कर लग करके घाव हो गया पैर में, खून बहते रहा। और उनका सहन शक्ति बहुत होता है, लेकिन उसको देखने के लिए उसको कुछ दवाई लगाना या जड़ी बूटी कुछ लगाना करके, इसके लिए समय नहीं था। बकरी ढूंढने के लिए वो जा रहा था, देखा तो घाव हो गया, चोट लग गया। और जब बकरी को जा करके मिलता है, थोड़ा एक दो किलोमीटर जाने के बाद बकरी मिल जाता है, तो वो देखता है पैर में घाव कुछ नहीं, मतलब वो घाव मिट गया, वो जड़ी बूटी कहीं कुछ था लग गया। और हरसिल में एक बहुत पुरानी कहानी है जो हरसिल के बूढ़े लोग कहते हैं कि कोई महात्मा था, उधर शौच गया था, शौच जाते हुए एक घास को तोड़ रहा था, याद आता है कहीं घास पत्ता कुछ हाथ में लगा तो, एक घास को तोड़ रहा था तो जितना तोड़ा वो फिर उतना ही बढ़ गया, फिर तोड़ा फिर बढ़ गया, तो उसका कौतूहल है ये कुछ है, तो फिर उसको जड़ से उखाड़ करके वो लाया और किसी को कुछ बोला नहीं। और उसको पीस करके उसका खा लिया, खा करके उसको कुछ अनुभव हुआ तो वो अपने जो सेवक लोग कोई थे सब चेले लोग, उनको थोड़ा सा हिंट्स दे करके कहा कि मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर हूँ, मेरा दरवाज़ा खोलना नहीं, मैं खुद खोलूँगा। तो 3 दिन अंदर रहा वो, और 3 दिन के बाद लोग कहते हैं उनका पटाल ऐसे ही लकड़ी का छत होता था, पक्का मकान तो उस जमाने में था नहीं, तो वो जो कच्चा छत था लकड़ी का वो पूरा फट गया और उसी से एक दिव्य ज्योति आसमान में जाता हुआ लोगों को सबको दिखाई पड़ा। वो छत फट गया और उसको फाड़ करके वो एक दिव्य ज्योति आसमान में जाता हुआ सबको दिखाई दिया। तब सबको शंका हुआ, महात्मा क्या हुआ, कैसे ये कैसे मकान टूट गया। तब दरवाजा वगैरह तोड़ताड़ करके जब देखते हैं वो ध्यान में बैठा है और उसका सिर फूटा हुआ है। ये कहानी हरसिल के बूढ़े लोग कहा करते हैं। ये 150-200 साल की कहानी है। तो कहने का मतलब ऐसे जड़ी बूटी इधर मिलते हैं सब। ये सारे चीज धुल करके इनका सारे रस जो है गंगा जी में प्रवाहित तो होती है। दुर्लभ खनिज पदार्थ और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जो सब किस्म का औषधियों का सारभूत है, ये सब जब गंगा जी में मिलती है, गंगा जल को रखो अगर तो इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, चाहे सालों रखो। हम रखते हैं हमेशा कमरे में, उसमें ना कोई मैला होगा ना कोई कीड़े मकोड़े होंगे, जबकि दूसरे पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, मल बैठ जाता है, ये प्रत्यक्ष है। और गंगा जी का जल को सब परीक्षा करके देखा गया, उसमें कोई जीवाणु बच नहीं सकते हैं।
इसी प्रकार गंगा जो जल है ये इतनी शुद्ध पवित्र और रोग निवारक है, इसीलिए तो कहा गया गंगा जल औषधि है। और इसे औषधि में जब जो स्नान करता है तो फिर क्या होगा उसका हालत, और उसको जो पिएगा, मान लो कि वो रोजाना दवाई ही पी रहा है और गंगा जी का दूसरे एक गुण है, गंगा जी का जल में स्नान करने से डुबकी लगाते हुए ही इतनी ठंडा शरीर को कंपा देता है कि शरीर का भावना और दूसरा दुनिया का भावना तो कहाँ रहेगा, शरीर का भावना भी नहीं रहता है। जो स्नान करते हैं सबको अनुभव है, जो शरीर का भावना को मिटा सकता है, संसार का भावना को मिटा सकता है, तो फिर हमको और क्या चाहिए है? शरीर से मन को अलग कर देना, ये गंगा जी का इतना महात्म्य है। और इसी का जो इसके पास का जो हवा है वह भी ऐसे ही होगा, और गंगा जी का जो शब्द है ये निरंतर अखंड नाद है, और ये अखंड प्रणव ध्वनि करके माना जाता है। अखंड, यह अखंड ध्वनि का भी विशेषता है, और गंगा किनारे बैठने से उसका आवाज में अगर मन लगाओगे तो प्रत्यक्ष सबको अनुभव है कि मन में कोई सांसारिक भावना आता नहीं, मन एकाग्र हो जाता है तुरंत। वो शब्द का, वो वायु का, वो जो उसका सन्निधि, ये सारे शरीर के ऊपर मन के ऊपर इतना प्रभाव डालता है। इसीलिए गंगा सेवन, गंगा जल पान, गंगा का नमन, गंगा जी का स्तुति करना, गंगा जी का दर्शन करना, ये सारे चीज हमारे मन की एकाग्रता, वैराग्य पैदा करना और फिर समाधि तक ले जाने में बड़ा उपादेय करके माना गया है। गंगा जी साक्षात जीवन का धारा है, इसलिए हम इसको इतना मानते हैं। The essence is, गंगा जी is a continuous flow of eternal sound. Sound is the root cause for the creation. And Ganga, you can have the continuous eternal perennial sound which influences your mind then and there and makes the mind meditative. It forgets all the worldly transactions, worldly relations, everything you will forget. And this water is full of medicinal properties because the rare herbs which are grown in heights of Himalayas which are not available in other parts of the world, they are washed every moment by melting of snow and rain water, and they get accumulated and becomes Ganga water. And many kinds of rare minerals, they are available in Himalayan heights which are not available in other parts of world, and they are also the
components of Ganga water. So Ganga water is, we can easily say it is not water, it is only a flow of medicine. And to drink it, to have a dip in it, and to sit aside it, and to have its influence by meditating by its bank or living continuously near Ganga is really blessed, and this helps you to draw your mind from the world and get one-pointed mind and meditate and enter into samadhi easily. This is the glory of Ganga. Isi prakar Ganga jal, Ganga ji ka sevan, aur sadharan sare nadiyon mein bhi जल के पास बैठना, नदी के किनारे बैठना साधारण सा हमेशा आनंददायी होता है, किसी भी नदी के किनारे। खाली नदी नहीं, कोई भी जलाशय हो, बड़े हरद समुद्र के किनारे जाओ, देखो मन कितना आनंद मिलता है मन को। और कोई तालाब के पास, बड़े झील के पास अथवा नदियों के पास बैठने से मन को स्वतः ठंडास मिलता है, मन एकाग्र होता है। इसीलिए इसको वो तीर्थ के नाम से माना जाता है। तीर्थ हम विचार किए हैं, जिसका सेवन से संसार से तर जाता है, दुखों से हम तर जाते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। वो स्थान का इतना प्रभाव होता है। इस प्रकार इस सब उपायों से हम वैराग्य का वृद्धि कर सकते हैं और इस बीज को सिंचाई कर सकते हैं जो समाधि में फलीभूत होता है। इस तरह सोचने आदि के बाद बीज में जब अंकुर पैदा हो जाए तब इसकी रक्षा के लिए अत्यंत निपुण संतोष नामक पुरुष को उसको मुदिता नामक प्रिय पत्नी के साथ संरक्षक बना देना चाहिए। है तेरी के ये बीज को तो सिंचाई तो हम करेंगे और इसका देखभाल करने के लिए संतोष और मुदिता नाम को उसकी पत्नी, मतलब संतोष एक दैवी गुण है जिसका अभ्यास करके और उसी से मुदिता आनंद को प्राप्त करके हम वैराग्य रूपी जो बीज का देखभाल करने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर संतोष है तो वैराग्य पनपेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। गीता में हमको कहा गया संतोष अमृत तृप्ता नाम यत सुखम शांत चेत साम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम समम समधिगच्छति। जो संतोष रूपी अमृत का जो पान किया उसको जो आनंद ब्रह्मानंद मिलता है वो दूसरों को दूसरे उपाय से नहीं मिल सकता है। संतोष का क्या स्वरूप क्या है? संतोष का स्वरूप यह है इच्छा रहित पना, जो मिला उसमें संतुष्टि। संतुष्टि पुष्टि का बीज है। जहाँ संतोष है वहाँ मन हृष्ट पुष्ट रहेगा,
सुख मिलेगा उसको, वो बढ़ते रहेगा। इसीलिए संतोष सारे जितने जितने दैवी गुण हैं उसमें बड़ा दुर्लभ गुण है। संतोष सबको मिलना आसान नहीं है, क्योंकि हम इच्छा रोग से ग्रस्त हैं। हर चीज़ के लिए हमारी इच्छा है, हम बहुत सीमित हैं, हमारे सब चीज़ सीमित हैं। इसीलिए हम हमेशा कुछ पूर्ति के लिए हमेशा इच्छा करते रहते हैं। इसलिए हमारे पास संतोष रूपी धन का अभाव हमेशा रहता है, हम कभी संतोष नहीं रहते। एक कहावत है, सती सहस्रम इच्छति सहस्रम लक्ष्यम इहते, और त्रिसे तृष्णे का तरुणा यते। ये तृष्णा जो है गहरी इच्छा, तीव्र इच्छा, ये कभी बुढ़ापा को नहीं प्राप्त होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है, यह हमेशा जवान बनते रहता है। इसीलिए इसके विरुद्ध में संतोष प्राप्ति के लिए इच्छाओं का रहित होना और संतुष्टि, जो कुछ मिला उसमें तृप्ति और ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके ऊपर हम विचार किए थे, जो संग्रह, जो परिग्रह के नाम से हम विचार किए थे, जो हमारे शरीर रक्षा से ज़्यादा है उसका परिग्रह, उसका इकट्ठा नहीं करना, वो लोभ को भी बढ़ाता है और चिंता उसका रक्षा में, उसका बढ़ोतरी में। हम इच्छाओं को बढ़ाते हैं, चिंताओं को बढ़ाते हैं, और चिंता शरीर का सुख का ये खाने वाले सर्पिणी है। चिंता सांपिनी का ही न खाई, चिंता रूपी सर्पिणी सबको डसती रहती है। इसलिए हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। चिंता क्यों? हमारे पास जो है उसका सुरक्षा, उसका बढ़ोतरी, उसका बाद में उसका सुरक्षा इत्यादि को चिंता करते करते हमारा जीवन चले जाती है। और चिंता ही सबसे सुख का दुश्मन और दुख का पालक, दुख का पोषक बन जाता है। चिंता ही दुख का कारण है, और ये जहाँ चिंता होगा वहाँ पर संतोष का नाम निशानी नहीं। और जहाँ संतोष है, तृप्ति है, इच्छा नहीं है, वहाँ ये चिंता भी नहीं रह सकती है। इसी प्रकार संतोष हमारा एक परम धन है, और संतोष समता रूपी जो योग का फल, समता समत्वम योग उच्यते, ये समता रूपी जो योग वृक्ष का फल है, वो समता को प्राप्त करने के लिए संतुष्टि मान लो फूल है, और इसी का फल मिलता है समता। संतोष से समता अपने आप मिल जाएगा। जिसका मन में कोई आशाएं नहीं, आकांक्षाएं नहीं, वो सदा सुखी, और उसको समदृष्टि प्राप्ति में कोई देर नहीं लगता है। हमारे समदृष्टि में व्याघात, बाधा डालने वाला सिर्फ एक इच्छा है। हम इच्छा के अनुसार भेद पैदा करते हैं। जहाँ हमारी इच्छा की पूर्ति होगा उसको ग्रहण करना, जहाँ इच्छा की अपूर्ति है वहाँ द्वेष करना, ये जो भेदभाव पैदा करना, विषमता पैदा करना, ये इच्छा की ही काम है। और जहाँ इच्छा नहीं है वह समता तो अपने आप, और वह
संतुष्टि से भी समता बड़ा शीघ्र ही मिल जाती है। तो ये जो संतुष्टि और समता, ये समझो योग का योगाभ्यास रूपी फल है। ये स्वामी जी, थोड़ा पिछले विषय जो तीर्थ तीर्थ के विषय में हमने चर्चा किया, उससे संबंधित कुछ पूछना था। तो जैसे आपने पूरे भारत वर्ष, थैंक यू, नाउ व्हाइल गोइंग यू कैन टॉक अबाउट contentment and bliss, what we have discussed now. Come on. Hariam, thank you. Kya hua? Bharat, jaise aapne jo pure Bharat ke pure sare teerth sthal sab mein yatra kar darshan kar rahi honge, par phir bhi aapne jaise ye sthan chuna Ganga mai ki khaas taur se aapne wo kara, par phir baad mein aise bola baaki nadiyon mein bhi wahi hai, unke wo bhi pavitra jaise और भी नदी है कोई, वो नर्मदा का अलग वो महात्म्य, तो इन सब में इनके फल में अंतर है या आपको जैसे यहाँ पे गंगोत्री में विशेष वो कुछ मतलब समाधि से प्राप्ति में ज़्यादा आसान अनुभव हुआ, तो तीर्थ स्थलों में भी महाराज जब जैसे कुछ को अतिशयोक्ति में कहते हैं कि गंगा में एक डुबकी लगाई तो जन जन के पाप को पीढ़ियों के पाप धुल गए कट गए, तो ये कुछ ये अतिशयोक्ति है आपने कथा के प्रभाव से बताया या ठीक है मेडिसिनल उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके अनुभव से भाई दुनिया सारे संसार अंतराल का ही स्वरूप है, सब में अंतर है। आपका सिर में जो बाल है ना, दो बाल लेना उसमें अंतर मिलेगा, तो फिर ये तीर्थ में कैसे नहीं अंतर होगा। जी समाधि मिलेगा सब जगह, उसमें देखो खाली एक पॉइंट नहीं, गंगा जी इतने प्रभावशाली है कर हम बोल दिए, जिसका विश्वास नहीं उसको, हाँ जी जिसको विश्वास नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा। वही तो, मानो तो शंकर न मानो तो कंकर, सब चीज तुम्हारे मन के ऊपर निर्भरशील है, तुम्हारे मन के दशा कैसे, और मन का दशा हम बार बार विचार किए हैं, मन का दशा वर्तमान का नहीं, अतीत का हमारा जो व्यक्तित्व है, वर्तमान का देश काल परिस्थिति है, देश काल परिस्थिति में ये तीर्थ भी आया और तुम्हारे साधना भजन जो सत्संग इत्यादि सब कुछ देश काल परिस्थिति के अंदर है, और ये और पहले का जो हमारा व्यक्तित्व है ये मिल करके निर्धारण करता है कि तुमको मिला क्या और नुकसान हुआ क्या, लाभ कितना नुकसान कितना, कितना मिला कितना खोया। डिफरेंस है भाई, सब जगह पर डिफरेंस है, इसी गंगा जी में भी डिफरेंस है, मैं कहा ना ऋषि के हरिद्वार से गंगोत्री का डिफरेंस है। अनुभव तो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ शास्त्र का सपोर्ट में, ये योग वशिष्ठ का भाषा के ऊपर मेरा अनुभव जुड़ा हुआ है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं जिसको मानता हूँ और मेरा अनुभव के अनुसार है उसी को तो मैं बोला। मैं हरिद्वार में भी रहा हूँ, ऋषिकेश में भी रहा हूँ, उत्तरकाशी में भी रहा हूँ, गंगोत्री में रहा, तपोवन में रहा और नंदनवन में जाकर रहा और हिमालय के चोटियों में भी रहा, तभी तो मैं अपना अनुभव को भौगोलिक और तार्किक दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। सब स्थानों पे समान आनंद था या आनंद में भी आनंद अंतर है, आनंद का डिग्री में टॉप आनंद कहाँ पे आया महाराज, कहाँ सबसे मजेदार आनंद, सबसे बढ़िया आनंद, परमानंद कहाँ प्राप्त हुई?
परमानंद वही हिमालय के चोटियों में। कहाँ से है? अच्छा एकांत में परमानंद में कह रहा हूँ ना, ऐना में मैं ऐना देवी में रहा 2 साल, आदमी का मन ही देखा, वो आनंद जीवन में फिर दोबारा मिलना मुश्किल हो रहा है, उसके लिए तड़प रहा है जिंदगी। और हिमालय में चोटी में एक बार हम फूल के ले गए थे, वो गांव वाले लाते हैं, फूलों का त्यौहार होता है साल में एक बार, तो गांव के लोग जब जाते हैं, मैं कहा मैं भी आऊँगा तुम्हारे साथ, 2 दिन की चढ़ाई है। हाँ जी, यहाँ से अहो कहाँ पर क्या भाई, हिमालय की चोटी इधर सारा जगह में भाई है। कहीं भी जाओ, वो फूल घाटी बोलते हैं, वो जो आपका बदी लाइन में क्या कहते हैं, हाँ गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ के ऊपर भी सब जगह पर है, इधर भी है, ये क्या पुरोला साइड में कौन सा जगह, वो हर की दून, हाँ वो जो अरे पुरोला से वो जहाँ शिव जी का बहुत सारे लिंग है, मैं गया हूँ उधर, उसके ऊपर चोटी में फूलों का जाते हैं लोग उधर देखने के लिए। हिमालय के चोटी कहीं भी जाओ, एकांत जहाँ मिला गया हिमालय के, ये इसीलिए मिलता है कि वहाँ का वातावरण दूषित नहीं हुआ है, लोग ज़्यादा मन उसी को तो हम विचार किए थे, मनुष्य ही सबसे मारात्मक जीव है, और इसके मन में जो होता है साधारण पशु पक्षी के मन इतना कलुषित नहीं होता है, प्राकृतिक रहते हैं, और मन में जो हमारा मनुष्य का मन में जो कलुष भरा हुआ है, चंचलता और संसारिकता भरा हुआ, वो जहाँ जाएंगे हम सोचे हमारे मन का प्रभाव वहीं छोड़ के जाते हैं, तो जहाँ मनुष्य ज़्यादा नहीं पहुँचे हैं वो सारे स्थान बड़े सुरक्षित और बड़े आनंददायक स्थान है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, हिमालय चोटी में स्वर्ग है। कहीं भी जाओ, तो हम गए थे उधर, उधर जा करके पहुंचते ही मेरे को रहा नहीं गया, मैं जोर से चिल्लाया, चिल्ला करके नाच करके गाना, बस अपने आप बड़ा मेरा कंट्रोल नहीं रहा, तो मेरे साथ जो थे मेरे को हल्ला, स्वामी जी इधर हल्ला नहीं करना चाहिए, बादल फट गया, मातृ पकड़ लेंगे, मतलब मातृ मतलब कुछ विशेष शक्तियाँ होते हैं जो सूक्ष्म रूपधारी, जिसको हम एंजल्स वगैरह कहते हैं, इधर के भाषा में मातृ कहते हैं, तो वो पकड़ लेंगे मतलब कहने का, ये एक धारणा है, वो धारणा सही है, उसका अर्थ यह है जो इतने शांत वातावरण है वहाँ आवाज करना ही अशांति पैदा करता है, उस स्थान का शांति भंग करता है, इसलिए वहाँ हल्ला गुल्ला ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, ये तो उसका अर्थ है, लेकिन उसको एक भावना को पक्का विश्वास बनाने के लिए, मातृ पकड़ लेगा वो चोटियों में, वो कुछ रोग पकड़ लेगा, वो कुछ भूत पकड़ लेगा, इसलिए वहाँ बातचीत नहीं करना चाहिए, चुपचाप जा करके वहाँ से जो लाना ले करके आ जाऊँ, वहाँ विषमता पैदा नहीं करना चाहिए, जो हम करते हैं ना, ये अभी गोमुख तक इतना गंदगी फैला दिए हैं, उधर गोमुख में जा करके दारू पियोगे,
है तपोवन में जाकर के दारू पियोगे तो वो वातावरण होगा क्या, दारू पीने से मन का क्या स्थिति होती है। तो इसी प्रकार जो स्थान प्रभाव से मनुष्य का प्रभाव से रहित है वो स्थान स्वतः ही आनंददायक है। आनंद मतलब मन का शांति, मन जहाँ काम नहीं करना काम करना छोड़ देता है वही आनंद है और कुछ नहीं। स्वामी जी जहाँ मनुष्य नहीं है वही तीर्थ है। मनुष्य जहाँ रहता है वह भी तीर्थ है, लेकिन मनुष्य के भावनाएं तीर्थ में तो यही हम कल विचार नहीं किए। मंदिर में क्यों हम जाते हैं, मंदिर में सबका भावना यही रहता है कि भगवान यही है। वो भावना एकत्रित होकर के एक शक्ति पैदा होता है उधर, जो शक्ति सबको प्रभावित करता है। इसीलिए मंदिर में जाना चाहिए, अच्छा भावना लेकर के जाना चाहिए। और मंदिर में जाने के लिए मना किसको है, जो दूषित मन वाले होंगे, जिसको सूतक वगैरह और मृतक वगैरह दोष लग जाता है, या जो रोगी होंगे उन लोगों को मंदिर में जाना मना है। जिसको विश्वास नहीं जगन्नाथ में, विदेशी म्लेच्छ मानते हैं उनको, विदेशियों को जाना मना है। क्यों, उनका एक तो मानसिक स्थिति हमारे विश्वास में वो विश्वास नहीं करते, उनका विश्वास अलग है, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो एक मानसिक स्थिति, हमारा जो विश्वास का एक भाव का एक केंद्र है, उसमें वो आएंगे तो अपना भावना को छोड़ जाते हैं, वो उसको दूषित करते हैं। इसीलिए मानसिक बातचीत शारीरिक जो दूषित हैं उनको ऐसा जगह पर जाना मना है। बहुत सारे मंदिरों में हमारा ये था, किसी को हरिजनों को जाना मना है और स्त्रियों को जाना मना है, विदेशियों को जाना मना है। क्यों, कि एक शुद्धता का रक्षा, ये भेदभाव घृणा भाव नहीं, ये शुद्धता का रक्षा। उस शुद्धता में ये अशुद्धता घोल देते हैं भावनाओं के अनुसार। हमारे भावना वातावरण में रहता है, उसको प्रभावित करता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क यह है। और जहाँ ये शुद्ध है उसको तीर्थ कहते हैं। ये साधारण मौलिक अर्थ को समझना चाहिए। तीर्थ कहीं भी होगा, जहाँ जो कोई महात्मा रहते हैं, बड़े तपस्वी महात्मा, देखो वो अरुणाचल को कोई पूछते नहीं थे, रमण जा करके बैठ गए महर्षि, तो वहाँ से क्या नहीं हो गया है, वो तीर्थ बन गया। और खाली वो पहाड़ नहीं, वो चारों तरफ उसका प्रभाव है। तो मठ मंदिर में कहीं ऐसा एकांत स्थल में तीर्थ में जाकर के अनुभव करो, रिसेप्टिव माइंड होना चाहिए, तभी तो होगा। तीर्थ और ये तीर्थ का सेवन इसी प्रकार लाभदायी होता है जिसका विश्वास नहीं। और विश्वास पैदा कैसे होता है, हमारे व्यक्तित्व के अनुसार। तो जिसका विश्वास नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा। और इसका विपरीत भी तर्क है। विपरीत तर्क कैसा है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं होने पर मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा, ये हमारी दुर्गी थी ना, दुर्गी हमारे एक लड़की, हमारा अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, उसकी शादी हो गई। वो बचपन में उसका यहाँ बड़ा भारी दाग है,
वो बचपन में छोटी सी थी, खेलते खेलते कुछ देखते देखते कुछ खिलौना उधर जाके के चूल्हा के पास पहुंच गया और चूल्हा के पास पहुंच करके लुढ़क गया, चूल्हा में चली गई। साथ ही साथ उसका माँ देखी तो खींच करके लाई, तब तक जल गया था। बहुत दिन लगा उसका ठीक होने के लिए, ठीक हो गई। लेकिन कहने का मतलब हमारे पॉइंट ये है, क्या अग्नि को हम वो बच्चा नहीं जानता है ये जलाएगा करके, उसका विश्वास है या अविश्वास का इधर सवाल नहीं उठता है, वो जानता है नहीं अग्नि क्या चीज है। तो अनिच्छन्नपि संस्पृष्टो दह्यतेव हि पावकः, बिना इच्छा से भी आग को अगर छू लोगे तो अग्नि जलाएगा ही जलाएगा, उसका स्वभाव है जलाना। तो तुम्हारे विश्वास हो ना हो, तुम नहीं मानना मेरे को अग्नि नहीं जला सकता है, ऐसा कह करके आग को पकड़ो तो वह छोड़ देगा क्या? तो इसका विपरीत तर्क ये कह रहा है, जो शुद्ध पवित्रता का शीर्ष है वो अगर शक्तिशाली है तो वो अविश्वासी जनों के ऊपर भी प्रभाव डालता है। और इसका निर्णायक तर्क यह है, दुनिया एक मैदान है लड़ाई का, हर चीज मानसिक हो, वाचिक हो, कायिक हो, प्रकृति में हो, चाहे कहीं से भी हो, देश में हो, काल में हो, परिस्थिति में हो, हर जगह पर दो के बीच में लड़ाई, इसी को कहते हैं रिलेटिविटी। और प्रकृति का नियम यह है, बलवान जो है वो जीतेगा। इसी में भी इसका जिगर है, हर समय में पुरुषार्थ और प्रारब्ध का लड़ाई चलता है, तुम्हारे प्रारब्ध जीतेगा या पुरुषार्थ जीतेगा। अच्छा और बुराई में मन हमेशा लड़ाई चलता है, प्रकृति में हमेशा, प्रकृति और कुछ नहीं एक लड़ाई का मैदान है, संसार एक युद्ध स्थली है। और इसमें जीतता कौन है? जो बलवान होगा, ये प्रकृति का नियम है। दो लड़ाई करते हैं, दो भेड़ लड़ते हैं, कौन किसको जीतेगा? जो बलवान होगा, दूसरे को मार करके उसके ऊपर खड़ा होगा। तो यहाँ पर भी तीर्थ और अविश्वासी जनों का भी वही बात है, अविश्वासी का अगर कमजोरी पड़ गया तो तीर्थ का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, और तीर्थ अगर कमजोर है, अविश्वासी पक्का है तो तीर्थ उसको कुछ नहीं करेगा। ये है तर्क, समझे? ऐसा अविश्वासी कि तीर्थ भी कुछ ना कर पाए, कुछ नहीं करता है, नास्तिक होते हैं। महाराज अच्छा एक वो उस पे तो थोड़ा वो प्रकाश डालिए फिर से, वो हमने वो बात की कठपुतली वाली, कठपुतली वर्सेस पुरुषार्थ, तो आप क्या बोलेंगे कि हम किस में तरफ ध्यान दें? पुतली करके मानते हो क्या अपने को? अगर मान लिया तो काम बन गया, मानते नहीं हम, सुनते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन मानते नहीं। उसी की तरफ ध्यान दें तो ये पुरुषार्थ वगैरह जैसे भीषण वो मानना ही पुरुषार्थ है। जो सुने, विचार किए, समझे, उसको स्वीकार करना ही, काम में लेना ही पुरुषार्थ है। और प्रारब्ध तो उसका अगेंस्ट में रहेगा, बनाओ ना आप, ये तो आपका बात है, आप सब व्यक्ति है, अपना व्यक्तिगत चॉइस है, रुचि है, रुचि के अनुसार आप जैसे करना करो, उसके लिए क्या बोला जाए? आप विश्वास करेंगे तो कहा ना, कंकर भी शंकर बन जाता है, कठोत्री में गंगा, मन चंगा तो कठोत्री में गंगा प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो रैदास का मोची जो था, उसका
लकड़ी का वो जो पानी रखते हैं, चमड़ा सड़ा हुआ पानी, उसमें भगवान नारायण गंगा स्नान करते हैं शालिग्राम के रूप में। और जो तिकाल संध्या करता है ब्राह्मण और पंचगव्य से गंगा जल से स्नान करवा करके पुरुष सूक्त से स्नान करवाता है, वहाँ नारायण को अच्छा नहीं लगता है। ये सड़ा हुआ पानी में रहना उनको पसंद है, प्रत्यक्ष कहानी है, घटना है। नारायण वहाँ से भाग कर के आए, मुझे यही आनंद है, तुम्हारे पूजा पाठ मुझे नहीं चाहिए। क्यों? रैदास का मन 24 घंटा नारायण के पास है, मुझे मन चाहिए, मुझे तुम्हारा पूजा पाठ नहीं चाहिए। रैदास का तो मन 24 घंटा है अखंड, यही मुझे पसंद है। तो मन ही ऐसा रहा है, मनुष्य मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन ही तुम्हारे कारण है, ये सारे तो मन का सपोर्टर है या डिफेंडर है। ये जितना सब हम आलोचना करते हैं मन के लिए तो है ही, मन को हृष्ट पृष्ट करना, मन ही में तो वैराग्य पैदा करना, मन ही तो समाधि में जाएगा, सारे मन के ऊपर बात है। मन तुम्हारा अगर पहले से थोड़ा कुछ शुद्धता है और उसी के अनुसार कोई रास्ता पकड़ करके, अब ये सही रास्ता पकड़ करके चलोगे, तब ये सारा रास्ता बता रहे हैं। जिसको चाहिए उसी के लिए है, जिसको नहीं चाहिए कुछ जरूरत नहीं। जहाँ जाना जाओ, किसी खड्डे में जाओ या पहाड़ की चोटी में बैठ के गधा गधा रटो, वहाँ जा कर के भी अगर विश्वास नहीं, तुम्हारा मन नहीं मानता है उसको, तो फिर वो चोटी ना कोई हिमालय का स्वर्ग, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और मान लिया तो थोड़ा सा भी बहुत काम कर लेता है। सब चीज मन के ऊपर निर्भरशील है, तुम्हारा एक्सेप्टेंस कितना है, जो आप स्वीकार कर रहे हो, मानते हो कितना। अरे 56 भोग रखा हुआ है तुम्हारे सामने, भूख कितना है, तुम खाओगे कितना, वही तो तुम्हारे लिए है। हाँ जी बिल्कुल सही, 100% नो डाउट। तीर्थ अपने है, परंतु फिर उसमें यही तर्क आएगा कि तीर्थ तो प्रभावशाली होना चाहिए, जैसे आग को छूने से वो जलाता ही, वो तो मैं नहीं मानने पर भी होना चाहिए। तो उसमें यही तुलना करना है कि तीर्थ शक्तिशाली है या तुम्हारा नहीं मानना नेगेटिव माइंड शक्तिशाली है। जो बलवान होगा वही काम करेगा। आसपास गांव में बहुत है गुड़ियाएं बनी हुई हैं। अच्छा चलो, परंतु पहले धीरे धीरे, पहले ऋषिकेश तो ऋषिकेश कहा गया और मुनि की रेती कहा गया, उधर ऋषि मुनि लोग बहुत सारे रहा करते थे इसलिए मुनि की रेती तो नाम पड़ा, और हरिद्वार नाम इसीलिए पड़ा। और धीरे 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 ये अशुद्धता संसारपना ये सब ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, ये समय की चाल है। अभी तो गंगोत्री में जो मज़ा था आजकल नहीं है। अरे हम कोई महात्मा हुए, महात्मा जिनको मैं देखा हूँ उनको अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे को थूकने के लिए दिल नहीं करता है, ये कोई महात्मा कहने लायक है मैं?
कैसे महात्मा रह गए इधर, क्या उनका भावना, कैसे उनका मानसिकता, कैसे उनका तपस्वी जीवन, रहन सहन, क्या उनका ज्ञान का पराकाष्ठा, उसके सामने तो उनका पैर का धूल भी कहलाने के लिए शर्म लगता है अपने को। अरे हम कोई महात्मा हुए? तो भाई समय के चाल है, सब कुछ होता है, बदलता है। जो आज बड़ा भारी शहर है, हजार साल के बाद वहाँ देखना भयंकर जंगल, जहाँ शेर बाघ का निवास मिलेगा। तो ये तो दुनिया का रीति है, बदलाव। तो चलो हमारे अपने विषय में इस तरह सिंचने आदि के बाद बीज में जब अंकुर पैदा हो जाए, उसी के ऊपर कर रहे थे, इसका रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने के लिए संतोष और मुदिता, आनंद, मुदिता एक पॉजिटिव एटीट्यूड जिसमें आनंद आता है, सकारात्मिका जिसमें आनंद मिलता है, और संतोष इच्छा रहित पना, और संतुष्टि जो तृप्ति, ये तृप्ति का नाम ही आनंद है, कंटेंटमेंट जिसको हम कहते हैं। तो ये तो स्वतः ही वैराग्य का माँ का काम करेंगे, वैराग्य को खूब बढ़ाएंगे, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, वैराग्य बढ़ेगा। इसमें वैराग्य के वृद्धि में हमको मिलेगा क्या है? वैराग्य फलेगा, फूलेगा तो पहले कली निकलता है विवेक, विवेक पैदा होता है, शुद्ध बुद्धि और सत्व, और उसमें फिर विवेक पैदा होगा, और विवेक में फिर फूल लगेगा जो अविनाशी को स्वीकार करना, विनाशशील को त्याग करना। ये फल में, ये फूल में त्याग, और त्याग के बाद जो जो अविनाशी जो स्थिरता है, वो समाधि स्थिति में स्थिति, दृढ़ स्थिति मिल जाएगा। तदनंतर पूर्व वासनाओं में स्थित जो आशारूपी विहगों, आत्मा में, आत्मा से भिन्न पुत्र मित्र आदि में अनुराग रूपी पक्षियों तथा जो ध्यानांकुर के नाश के लिए झपट रहे काम, गर्भ, धन आदि रूप गृध, गृधों की जो गृधों की जो इसी संतोष नामक रक्षक द्वारा दूर भगा दिया देना चाहिए। ये सब उदाहरण दे करके ये अलंकार पूर्ण भाषा से कहते हैं। बस ये हमारे सद्गुण और दुर्गुण, दैवी संपद और आसुरी संपद का ये विवेचना कर रहे हैं हम। तो ये जो संतोष और मुदिता रूपी रक्षक को हम नियुक्त कर दिए, वो बीज को रक्षा करेगा, और बीज में जो अंकुर आया उसको रक्षा करना, तो उसका दुश्मन कौन है उसको भी हमको समझना चाहिए। ये अंकुर को खा जाते हैं कौन? ये खा जाते हैं सारे आसुरी संपत्त। आसुरी संपत्त के अंदर पूर्व वासनाओं से जो स्थित आशारूपी विहग चिड़िया है,
ये चिड़िया सब दाना चुगते हैं, ये हमारे जो वैराग्य में जो अंकुर पैदा होगा उसको ये आशा रूपी चिड़िया सब खा जाएंगे। इसीलिए इनको भगाने के लिए वो जो संतोष और मुदिता ये सब रक्षक हैं, ये तीर कमान लेकर के इनको भगाते रहेंगे। संतोष और मुदिता ये चिड़ियाओं को सब भगा देंगे। आत्मा से भिन्न जो पुत्र मित्र आदि में अनुराग रूपी पक्षियाँ हैं, दूसरे अनेक किस्म के चिड़िया होते हैं, ये सब दाना खा जाते हैं। हमारे घर परिवार रिश्ता नाता भाई बंधु इनके साथ हमारा जो नाता और जो हमारा ममता है, ये इनको एक दूसरे किस्म का चिड़िया मानो जो ये अंकुरों को सब नष्ट कर देते हैं, इनको भी ये भगा देंगे। और ध्यान रूपी जो अंकुर पैदा होता है वैराग्य बीज में, उसको ये सब खाने के लिए तैयार दूसरे चिड़िया कौन है? काम गर्भ और धन आदि, मैं धनी हूँ, आढ्योस्मी, धनवान सुखी कुंजस्थी सदृशोमया गर्भ अहंकार, अरे मेरे बराबर दुनिया में कौन है, मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरे पास करोड़ों का संपत्ति पड़ा है, तो उसको मालूम नहीं है कि बुलडोजर चल जाएगा कभी, अवैध ग्रह कब्जा कर रखा है। तो धन का भी एक गर्व होता है, ये जो गर्व अहंकार और ये जो ममता कामना ये सब बड़े बड़े गीध हैं, जो वल्चर्स ये सब, ये तो सब पूरा तहस नहस कर देते हैं। इनको वो संतोष नाम का रक्षक जो है पहरादार, वो इनको सब भगा देगा। संतोष रूपी पहरादार कितना 47 राइफल 47 देख करके इसका हाथ में छोड़ देना, ये सब वैराग्य रूपी बीज और उसमें अंकुर जो ध्यान रूपी अंकुर आता है उसको रक्षा करने में ये समर्थ हैं। अहिंसा प्रधान होने से अत्यंत कोमल यम नियम प्राणायाम ईश्वर उपासना आदि और सत्क्रिया रूपी झाड़ुओं से इसे अंकुरों के खेत से रजगुणों को दूर फेंक देना चाहिए, तथा इसी तरह अचिंत्य ब्रह्मालोक पद विवेक रूपी धूप से अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर भगा देना चाहिए। विवेक रूपी धूप से अज्ञान रूपी अंधकार को भगा देना चाहिए। और ये जो कहते हैं अहिंसा और यम नियम प्राणायाम आदि और ईश्वर उपासना इत्यादि जो सत्कर्म, ये सब अभ्यास करना चाहिए। जो खेत से दूसरे रजगुण रूपी पक्षियों को दूर भगा देते हैं, रजगुणों को नाश करने के लिए सात्विक सत्व का अभ्यास करना चाहिए। सत्व मतलब ये जो जम नियम इत्यादि और अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य इत्यादि जो
हमारे दैवी संपदा है उसका अभ्यास करना चाहिए, उसमें स्वतः ही आसुरी संपद का नाश होगा और वैराग्य बढ़ेगा। भोगों द्वारा क्षण भंगुर तथा तरंगों के समान चंचल दुष्कृत रूपी मेघों से प्राप्त संपत्ति और प्रमदा रूपी अनेक वज्र इस अंकुर के ऊपर गिरते रहते हैं। वही हमको बस इतने ही समझना कि आसुर संपद और दैवी संपद का दिखाते हैं, आसुरी संपद का नाश करना चाहिए दैवी संपद का पालन करके। भोग और जो दुष्कृत ये सब का नाश करना चाहिए, प्रमाद और ये सब ये वैराग्य का नाश करने वाला है, इसीलिए इसको भी दूर भगाना चाहिए। पाप किसको कहते हैं? दुष्कृत पाप किसको कहते हैं? ये पाप जो है, हम तो पाप पाप कहते हैं, किसी को चोरी करना, किसी को मर्डर करना, ये पाप है ऐसे ही हम समझते हैं, लेकिन ये पाप और पुण्य इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। इसका विश्लेषण पुराण में, शास्त्रों में, सब जगह पर बहुत विस्तार से हुआ है और सारे का सार हमारे गुरुवर व्यास जी एक शब्द में बोल दिए। कभी वो 18 पुराण लिख करके जब बैठे थे बद्री में, तो कभी इधर उधर घूमते घूमते देवर्षि नारद जा करके पहुंच जाते हैं, बड़ा आनंद होता है आपस में मिल करके। तब फिर नारद तो स्थिर नहीं रहते हैं कहीं, और वो पूछ बैठे, व्यास जी मैं सुना आप 18 पुराण लिखे, वेदों को कलियुगी मानव के लिए आप सरल भाषा में कहानियों से यह 18 पुराण में लिख दिए, सब वेदों को सरल किए हैं जो साधारण मानव इसका अध्ययन कर सके ना। हाँ महाराज, आपके कृपा से, भगवत कृपा से मैं ये किया कर सका ना। अच्छा, मुझे थोड़ा सुनाओगे? लेकिन एक शर्त है, मैं ज़्यादा, मेरे पास समय नहीं ज़्यादा, मेरे को जल्दी जाना है, आप इसको शॉर्टकट में बोल दो मेरे को, आप इसमें क्या विषय चर्चा किए हैं। तो व्यास जी बोलते हैं, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। कहे व्यास जी बोले, भगवान आप जाइए, मैं दो शब्द में आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है इसमें, पाप और पुण्य का विश्लेषण किया हूँ यह 18 पुराणों में, वेद भी यही किया है, जीवन यापन का शैली, जीवन कैसे जीना चाहिए ताकि आखिर हमको हमारे लक्ष्य पर पहुंच जाना चाहिए, दुख से सुख सागर तक पहुंचना है, यही है जीवन का लक्ष्य। तो इसी में वेदों में सब चीज लिखा है, क्लिष्ट भाषा है और दैवी भाषा है,
साधारण मनुष्य भाषा, साधारण भाषा तो पुराण में मैं लिख दिया हूँ, और सबका सार इतना ही है। पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं? पाप कमाओगे तो दुखी होगे और पुण्य कमाओगे तो सुखी हो जाओगे। ये जिंदगी में सबको सुखी सुख चाहिए। तो वो कहे मैं दो चीज लिखा हूँ महाराज, ज़्यादा क्या सुनना, दूसरों को पीड़ा पहुँचाना ये पाप है, और दूसरों को सुख पहुँचाना ये है पुण्य। इतने ही लिखा हूँ, लेकिन ये तो शॉर्टकट में बोल दिए। दूसरे कौन है और कैसे पाप कैसे दुख पहुँचाते हैं हम, और दूसरों को कैसे सुख पहुँचाना है, ये सारा वो 18 पुराण में बताए तरीका। पर आखिर तो निष्कर्ष इतना ही निकलता है कि पाप इसको कहते हैं परिभाषा, और पुण्य इसको कहते हैं। तो इसको अगर हम विचार करते हैं, दूसरे कौन है, दूसरे कौन है, सारा दुनिया मैं और मेरा, और मेरा संबंध दुनिया के साथ है। बाहर जितने जो कुछ है वो मेरा है, और अंदर जो है मैं हूँ, और मेरा जो संबंध बाहर मेरा के साथ है, मैं का संबंध मेरा के साथ है। तो बाहर जो कुछ भी है, जो कुछ नाम रूप है, सब दूसरा हुआ, मेरा में आ गया गिनती। जहाँ तक तुम्हारे मन पहुँचता है, जहाँ तक तुम्हारे इंद्रियों का गमन संभव है, गोचर, गो मतलब इंद्रिया, जहाँ तक ये पहुँच सकते हैं वो सब मेरा है, सब मेरा है, और सबके साथ मेरा संबंध है। क्योंकि इंद्रियों का पहुँच है उधर तक, इंद्रियां जहाँ पहुँचे वहाँ हमारा रिलेशन बन गया। इसीलिए बाह्य जगत जो कुछ भी नाम रूपधारी, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है दृश्य जगत, वो सब दूसरा है। किसी को किसी भी हालत में दुख पहुँचाओगे तो वह पाप है, और सुख पहुँचाओगे तो वह धर्म है। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, ये भी सवाल उठता है। और सुख कैसे पहुँचा जाएगा, और कैसे दुख कैसे पहुँचा जाएगा, ये भी बड़ा भारी भयंकर सवाल है। तो पहला तो है सुख दुख का परिभाषा बताओ, जैसे पाप पुण्य का परिभाषा बताया गया, ऐसा सुख दुख का परिभाषा गीता में हमको कहे भगवान। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः, जो पांच तन्मात्रा है वो इंद्रियों के द्वारा, पांच इंद्रियों के द्वारा पांच विषयों को जब संपर्क साधते हैं, मतलब संपर्क बनाते हैं, और उस संपर्क से जो मिलता है वह सुखी और दुखी के रूप में, सुख दुख के रूप में, मतलब मात्रा स्पर्श किया विषयों के साथ, तो शीत उष्ण मतलब दो चीजें हमको मिलेगा, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक किसको कहें, सकारात्मक किसको कहेंगे, जो हमारे लक्ष्य, लक्ष्य हमारा है अखंड आनंद सबका, उसमें जो सहायक होगा वह है सकारात्मक और पॉजिटिव,
और जो हमारे बाधा डालने वाला होगा वो हमको हम जानते हैं नकारात्मक रूप में, और वो हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल और प्रतिकूल, सकारात्मक नकारात्मक। और ये सारा संसार हमेशा दो से बना है, इसीलिए जहाँ सकारात्मक होगा वहाँ नकारात्मक अवश्य होगा। कोई 100% पूर्ण मात्रा में कोई ना सुखदायी होगा ना कोई दुखदायी होगा। इसीलिए संसार एक व्यवसाय केंद्र, जहाँ ज़्यादा लाभ मिलता है वहीं अपना मूलधन को लगा दो, म्यूचुअल फंड, जहाँ ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई ऐसा दुनिया में कर्म नहीं जो कर्म पूर्ण रूप से 100% सही है और जो 100% गलत है, दोनों मिली भगत है, पर हाँ मात्रा में तो कम ज़्यादा है। सारी दुनिया कुछ भी ले लो, सूरज को हम ले लेंगे, सूरज प्रकाश पुंज है और अग्नि का स्वरूप है, उत्ताप का जन्मदाता है, उत्ताप का सोर्स है, लेकिन फिर भी 100% नहीं। उसी को हम कहते हैं अग्नि में भी शीतलता है और शीतलता में भी अग्नि है, जो बर्फ भी जला डालता है और अग्नि भी ठंडा कर लेता है। दवाई में जो जला हुआ जगह उसको ठंडा करने के लिए भी दूसरा गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, कंटके नवकंटकम, जहर को ख़त्म करने के लिए दूसरा जहर का भी प्रयोग किया जाता है। ये सब शास्त्र सम्मत, यही तो कह रहे हैं शास्त्र। बिल्कुल है, लेकिन मात्रा को देखना, कितने मात्रा में है। कहा ना ये व्यवसाय केंद्र है, जहाँ ज़्यादा फायदा मिलता है वहीं चलो धन लगाओ, मूलधन वहीं लगा दो, अपना प्रयास वहीं, पुरुषार्थ वहीं करो, पुरुषार्थ हमारा मूलधन है, वहीं करो जहाँ फायदा मिलता है। क्या हुआ जो अगर परम सत्य या परम आनंद अगर उसकी तरफ जो हमें ले जाए वो सुखदायक मानना चाहिए उसे, बोले, और जो उससे दूर ले जाए वो दुखदायक होना चाहिए। परमानंद तरफ जो सहायता करता है उसको पॉजिटिविटी कहते हैं, उसमें भी सुख दुख होगा। प्यूरिटी कहीं है ही नहीं, इम्प्यूरिटी का नाम दुनिया है, ये मूलभूत सत्य है। वो है, उससे मात्रा भी विवेचन करना चाहिए। वैराग्य तो दोष दृष्टि से होता है, दुख से भी वैराग्य होता है, और वो सारा है, क्यों नहीं, दोनों तरफ को लेकर के विचार करना चाहिए भाई, एक तरफा नहीं होता है। जज जब होगा वो तो दोनों तरफ को सुनेगा, तभी जजमेंट दिया जाएगा, एक तरफा का कभी जजमेंट नहीं आता है। दोनों को विचार करो, जो आखिर में जो प्लस मिलेगा वही हमारा है धन, सब चीज में। इसी को तो कहते हैं विचार, इसी को कहते हैं विश्लेषण। कभी किसी हालत में जरूरी नहीं दुखी होना, लेकिन दुख ही होगा तो वैराग्य भी हो सकता है भाई। जब कह रहे हैं देश काल परिस्थिति को भी विचार करना है और दोनों को लेकर के विचार करना है, तभी तो इसको मनन कहते हैं।
और कोई कुछ बोल दिया उसको हम मान लिए, तो फिर क्या मनन किया, वो तो श्रवण हुआ। मनन इसका कि हर चीज को ले करके उसको ताना बाना देख करके ये क्या चीज कैसा चीज है उसको विचार करना है, एनालिसिस करना है, इसी को कहते हैं मनन। और आपको अगर आप कहेंगे निष्कर्ष निकाल के दे दो तो फिर आप मनन क्या किए, विचार तो तुमको करना पड़ेगा। हाँ बैठे बैठे तुमको रसगुल्ला मिल जाएगा क्या? हाँ वो दोनों उनके माँ उनका रक्षक है, संतोष और मुदिता, ये उसका रक्षक है। स्वामी जी अगर अस्थि अस्थि उसके हिसाब से बोध के हिसाब से तो उसमें वैराग्य का कुछ वो अलग हो जाता है या वो उसमें भी वैराग्य क्या क्या अगर हम नेति नेति जो उसके हिसाब से तो वैराग्य समझ में आता है पर अस्थि अस्थि में वैराग्य का क्या कैसा रूप होता है या उसका रूप ही नहीं है अगर अस्थि अस्थि करके जगत को देखने का? अस्थि अस्थि कब करोगे, थोड़ा विचार तो करो। अस्थि अस्थि नास्ति नास्ति दो रास्ता है, तो अस्थि अस्थि किसको करोगे, एक को अस्थि अस्थि करोगे या अनेक को अस्थि अस्थि करोगे बोलो? एक को, तो अस्थि अस्थि दो बार क्यों? अस्थि कहकर छोड़ दो, दोबारा क्यों कहे अस्थि अस्थि? भाई हम मानते तो सब चीज को मानते हैं और उसके साथ साथ नहीं मानते भी, अस्थि नास्ति दोनों जीवन में है सब कुछ, और जो हमारे अनुकूल नहीं हमारे बाधक है उसको हम सांसारिक दृष्टि से त्यागते हैं और परमार्थिक दृष्टि से त्याग करना चाहिए। साधारण हमारे जीवन सांसारिक है मतलब इच्छा पूर्ण और कामना युक्त है, तो हमारे इस रास्ता में सांसारिक रास्ता में जो साधक है और बाधक है उसको हम देखते हैं ग्रहण करते हैं और त्याग देते हैं। लेकिन उसका विपरीत अध्यात्म मार्ग में जो हमारे कामनाओं को नष्ट करता है वो साधक है और कामनाओं को जो पनपाता है वो बाधक है, ठीक उल्टा है। तो वहाँ पर हमको किसको त्याग करना किसको ग्रहण करना उसको देखना चाहिए। त्याग ग्रहण तो हर वक्त हर जगह पर हो रहा है लेकिन किसको त्याग रहे हो किसको ग्रहण कर रहे हो यही तो विचार करने की बात है। और परमार्थ मार्ग में हमेशा जो हमारे इच्छाओं को बढ़ोतरी देता है और जो हमारे ममता आसक्ति इसको जो दृढ़ करता है इसको हम सांसारिक उपादेयता मानते हैं, संसारी के बढ़ोतरी मानते हैं, इसको हम त्याग नहीं करते हैं परमार्थ मार्ग में, इसको त्याग करना चाहिए, ठीक उल्टा करना चाहिए। और संसारिक दृष्टि से जो हमारे धन अपहरण कर लेता है, जो हमारे जो सखा संबंधियों को हानि पहुंचाता है उसको हम दुश्मन मानते हैं, लेकिन परमार्थ मार्ग में वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं, ठीक उल्टा है। जो हमारे ममता को काट करके फेंक देता है मतलब वैराग्य पैदा करता है वो हमारे दोस्त हैं, है? मेरा जिगरी दोस्त को कोई एक जहर पिला दिया वो मर गया, मैं श्मशान घाट तक उसको लेकर के जाके जलाया,
अच्छा तो क्या हुआ? वो जो जहर पिलाया वो दोस्त भी है दुश्मन भी है, कैसे? अगर उस मेरे जिगरी दोस्त के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरे एक हाथ कट गया समझो, और मुझे संसार का नश्वरता में देख करके मैं डिप्रेशन में चला गया नेगेटिवली, तो ये वो मेरा दुश्मन बना। और उस शमशान में जाते हुए जब मेरे को वैराग्य आ गया पक्का, शमशान वैराग्य नहीं पक्का वैराग्य, अरे भाई इतने भी होने पर भी सारे दुनिया तो मरेंगे एक दिन, जाएंगे एक दिन, मेरे कितने दोस्त थे सब चले गए। तो वो जहर दिया मेरे दोस्त को, वो तो अच्छा क्या ये दोस्त एक बंधन का कारण था, विचार करने से ये इसका जो मरण है, इससे जो दुख हुआ, इसमें जो वैराग्य हो रहा है, ये वैराग्य तो मेरे को परमार्थ मार्ग में मदद कर रहा है, इसीलिए वो दुश्मन नहीं जो जहर दिया है वो मेरा दोस्त है, उसको धन्यवाद देना चाहिए मन मनी मन, मेरा वैराग्य पैदा करने के लिए वो मेरा सहायक था क्या। यही तो है विचार की बात, और ये विचार हर व्यक्ति में अलग अलग हो जाएगा, परिस्थिति और देश के अनुसार, समय के अनुसार, सबका व्यक्तित्व के अनुसार अलग हो जाएगा, ये हर व्यक्ति का रुचि के अनुसार है। इसीलिए तो ये साधारण हम विचार करते हैं, अपना रहता अपना विचार शैली, अपना मनन, ये सब अपने आप को करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के लिए किसी शास्त्र में कभी कोई चीज नहीं बताया, साधारण जो यूनिवर्सल है उसी को तो बताते हैं, उसको हम कैसे स्वीकार करें अपने ऊपर है, इट इज योर प्रॉब्लम, हमें क्या जो साधारण नियम कानून है वो हम चर्चा करते हैं, और हर व्यक्ति अपना चॉइस अपना है। कल करेंगे, इसको रखो है, जब इच्छा 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 इत्यादि इतना रट रहे थे आप, पूछे क्यों नहीं, कल करेंगे, ये भूलना नहीं। इच्छा कैसे पैदा होते हैं, कहाँ पनपते हैं, और कहाँ बूढ़े होकर के मर जाते हैं, कहाँ नित्य यौवन बनते हैं, युवक बनते रहते हैं, ये सब चर्चा तो किए हैं, फिर रिपीट करेंगे, कोई बात नहीं। इच्छाओं की उत्पत्ति 50 बार कर चुके हैं आप, नहीं आए ना, दोबारा फिर दोहराएंगे, कोई बात नहीं, हमारा फायदा है, रोजाना एक एक रसगुल्ला मिल जाए तो जय बजरंग वाली की करेंगे कल। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।